स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से भी दीदी नमस्कार। अगर दीदी अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को डे एनआरएलएम से जुड़ी उसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाएगी सबसे पहले दीदी आप सभी को अवगत कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दीदी आप पहले से ही डे एनआरएलएम में जुड़ी हैं तो आपसे निवेदन है कि पंचसूत्र का पालन करना बिल्कुल ना भूलें। साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक उधार, समय सरण वापसी, लेखा जोखा, इन पंचसूत्रों का करें पालन और अपने समूह को रखें सक्रिय, क्योंकि सक्रिय समूह को ही योजनाओं का लाभ दिया जाता है और वरीयता भी मिलती है। तो चलिए दीदी ज़्यादा ना बात करते हुए मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है। अब दीदी ग्राम पंचायतों के स्मार्ट पार्क में खेलेंगे बच्चे। जी हाँ, अभी तक तो गांव के बच्चे भटकते थे, उन्हें खेलने का कोई भी स्थान नहीं था, लेकिन अब है ग्राम पंचायतों में स्मार्ट पार्क बनाए जाएंगे। इसके साथ ही पार्कों में वॉकिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा, बच्चों के लिए झूले लगाए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तीसरे चरण के तहत इस कार्य को मनरेगा में भी शामिल कर लिया गया है। इसके लिए कराए गए सर्वे में पहले चरण में 200 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। सर्वे लगभग पूरा होने वाला है। जनपद के 11 विकास खंडों की 884 ग्राम पंचायतों में स्मार्ट पार्क विकसित किए जाने की योजना है। ग्राम पंचायत निधि से जिला पंचायत राज विभाग पार्क विकसित करेगा। इसके साथ ही मनरेगा के तहत श्रमिकों को काम दिया जाएगा। पार्कों का निर्माण मनरेगा के 74 कार्यों में शामिल किया है। 6 माह पूर्व इसका खाका तैयार किया गया था, लेकिन सरकारी तंत्र के चुनाव में व्यस्त होने के चलते सर्वे ही नहीं हो पाया था। अब सर्वे लगभग पूरा होने वाला है। इसके तहत पहले चरण में 200 ग्राम पंचायतों पार्क विकसित किए जाने की योजना तैयार की गई है। आपको बता दें दीदी, पार्कों में होगी ये सुविधाएं, पथ प्रकाश की व्यवस्था के साथ रंग बिरंगे लाइट भी लगेंगे, वॉकिंग ट्रैक, बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए जाएंगे, लोगों के बैठने को सीमेंट की पक्की बेंच बनेगी, पार्क में रंग बिरंगे फूलों के पौधे भी रोपित किए जाएंगे, पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था भी रहेगी। कम से कम 2500 गज में बनेगा पार्क। पार्कों का निर्माण में कम से कम 2500 गज जगह ली जाएगी। इसके अलावा अगर कोई ग्राम पंचायत इससे ज़्यादा भूमि देगी उसमें बड़ा पार्क भी विकसित किया जाएगा, लेकिन कम से कम 2 से 2500 गज में पार्क बनाना निर्धारित किया गया है। ग्राम पंचायतों में जगह चिन्हित की जा रही है। 2-2500 गज में स्मार्ट पार्क विकसित किए जाएंगे। इसको लेकर रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसके लिए जल्द काम शुरू होगा। प्रदेश सरकार हर ग्राम पंचायत में एक ऐसा बगीचा बनाने जा रही है दीदी, जहां सिर्फ जहां सिर्फ महिलाओं को प्रवेश मिलेगा। इन बगीचों को महिला चेतना उपवन कहा जाएगा। यह प्रोजेक्ट मनरेगा के तहत शुरू होने जा रहा है। बगीचा गांव में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर बनाया जाएगा। उस स्थान पे दीदी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आपस में चर्चा भी कर सकती हैं, मीटिंग भी कर सकती हैं, लेन देन की बातें भी कर सकती हैं, क्योंकि दीदी बगीचा बनाने जा रही है जहां सिर्फ महिलाओं को ही प्रवेश मिलेगा। तो चलिए दीदी आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय आजीविका।